हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार, हम जो प्लस वन का पॉलिटिकल साइंस से संबंधित संघात्मक शासन प्रणाली को पढ़ रहे थे, उसी सिलेबस को, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू चलाते हैं। देखो, संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में थोड़ा आपको बता चुका था। संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, इसको मैं एक बार और छोटी सी 2 मिनट के अंदर रिपीट कर देता हूँ। देखो, संघात्मक शासन प्रणाली वो होती है, इसमें केंद्र व राज्यों में क्या होती है, शक्तियाँ डिवाइड होती है, शक्तियाँ संविधान के द्वारा बंटी होती है। इसका मतलब यहाँ पर संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है। सर्वोच्च क्यों होता है संविधान, क्योंकि संविधान ही केंद्र को शक्ति दे रहा है, संविधान ही राज्यों को शक्ति दे रहा है। यानी काम करने की जो छूट, जो पावर दे रहा है, वो संविधान दे रहा है। केंद्र भी संविधान के अधीन है, यानी संविधान से शक्ति लेता है, और राज्य भी संविधान के अधीन है, क्योंकि संविधान शक्ति लेता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता और कोई भारत से संबंधित भारतीय संघात्मक प्रणाली शासन प्रणाली की विशेषताएं, इसको पढ़ते हैं ध्यान से, क्योंकि विशेषताएं जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो उससे संबंधित जितना भी मैटर होता है वो हमें क्लियर हो जाता है। विशेषताएं वो होती है जो उसके अंदर लिखित है, संघात्मक शासन प्रणाली में क्या चीज़ है, वो टोटल आपके विशेषता में आ जाता है। तो हम सबसे पहले भारतवासी हैं, इंडियन हैं, तो भारत की संघात्मक प्रणाली पढ़ेंगे, विदेशी तो बाद में पढ़ते रहेंगे। तो क्यों ना पहले भारत की संघात्मक शासन प्रणाली को ही हम शुरू करते हैं, ठीक है? क्योंकि भारत में क्या होता है, संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो इसकी विशेषताओं, जो हम पहली विशेषता की बात करते हैं, शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। और इस चीज़ को मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे भारत, क्योंकि विभाजन होता है वही तो संघात्मक शासन प्रणाली है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि केंद्र व राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है, उसको तो संघात्मक बोलते हैं हम। तो भारत के अंदर भी क्या है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, क्योंकि भारत में भी संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कैसे किया गया है, हम बात करें तो जो अनुसूची 7 है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अंदर जो आपका आर्टिकल 246 है, इसके अंदर संघ सूची और राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची भी होती है, अभी एक राज्य सूची, उसके बाद एक होती है समवर्ती सूची। यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है। कॉमन सिंपल सी बात है, संघ सूची में जो जो विषय रखे गए हैं, जो जो पावर रखी गई है, उसके ऊपर कौन काम करता है, केंद्र काम करता है, यानी केंद्र ही कानून बनाएगा, स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। राज्य सूची में जो जो विषय रखे गए हैं, जो पावर है, उसका यूज राज्य करता है, यानी उससे संबंधित जो विषयों पर कानून बनाएगा वो राज्य बनाएगा। उसके बाद लास्ट बात करें हम समवर्ती सूची, इसके अंदर तो क्या करते हैं, केंद्र और राज्य दोनों काम मिलकर काम करते हैं, केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो ये बताने का मेरा मेन रीजन क्या था, ये था कि शासन शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है, किसमें, संविधान में, यानी संविधान की अनुसूची 7 में। और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जिस देश में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है, वही होता है संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। और भारत में भी शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो भारत भी एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। तो पहली विशेषता इसकी ये है। सेकंड की बात करें हम, निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। देखो, जहाँ पर भी संघात्मक शासन प्रणाली होती है, वहाँ पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना होती है, ये ध्यान रखना बात आप, फिक्स होता है, पक्का होता है, वहाँ पर जो न्यायपालिका होती है वो हमेशा स्वतंत्र होती है। क्यों होती है, ताकि एक निष्पक्ष न्याय प्रदान किया जा सकता है। निष्पक्ष होता है किसी का पक्ष न लेना, यानी सब कुछ चीज़ को, घटनाओं को, सब प्रूफ को देखने के बाद ही न्याय देना। तो एक निष्पक्ष न्याय देने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना होती है, और भारत में भी निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। किस, क्यों अपनाया गया, ध्यान रखो, क्योंकि संघात्मक प्रणाली होती है ना, संघात्मक, उसमें केंद्र भी होता है, राज्य भी होते हैं, है या नहीं, केंद्र भी होता है, राज्य भी होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर झगड़ा होना स्वाभाविक होता है। तो यहाँ पर दो से ज़्यादा संस्थाएँ रहती है, तो झगड़ा तो होगा,
केंद्र राज्य के मध्य झगड़ा हो सकता है, राज्य राज्य के मध्य झगड़ा हो सकता है। बहुत बार आपने सुना होगा पंजाब राजस्थान में जो पानी विवाद चलता है, महाराष्ट्र कर्नाटक वगैरह उस साइड में पानी विवाद चल रहा है, तो राज्य राज्य के मध्य विवाद हो सकता है, केंद्र राज्य के मध्य विवाद हो सकता है, या दो से अधिक राज्यों का केंद्र के साथ विवाद हो सकता है। सिंपल सी बात है भी, एक से ज़्यादा जब सरकारें काम करती है ना केंद्र और राज्य की, तो उनमें विवाद होना स्वाभाविक है। कुछ ना कुछ सीमा विवाद या कोई सामान से संबंधित, पानी से संबंधित विवाद हो सकता है। और इस विवाद को दूर करने के लिए या विवाद को हल करने के लिए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। इसी कारण मैं बोलता हूँ विसंगात्मक शासन प्रणाली में एक निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। भारत में भी एक निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। उसके बाद तीसरे नंबर की नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, संविधान की सर्वोच्चता। इसका मतलब इसके अंदर संविधान सर्वोच्च होता है, केंद्र सर्वोच्च नहीं होता, न राज्य सर्वोच्च होता है। कौन सर्वोच्च होता है? संविधान। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो केंद्र और राज्य जो शक्तियां लेते हैं वो किससे लेते हैं? अरे संविधान से ही तो लेते हैं। अभी तो पढ़ के हटे हम, संविधान के अंदर अनुसूचित सात में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है, यानी केंद्र ही संविधान के अधीन है और राज्य भी क्या है? संविधान के अधीन है। क्यों? क्योंकि दोनों शक्तियां लेते हैं संविधान से। इसका मतलब सर्वोच्च कौन हुआ? संविधान। अरे जो शक्तियां देता है वही तो सर्वोच्च होता है, और यहाँ पर संविधान क्या दे रहा है? शक्तियां दे रहा है केंद्र और राज्य में। इसका मतलब यहाँ पर सर्वोच्च कौन हुआ? संविधान। और भारत में भी सर्वोच्च कौन है? संविधान। ध्यान रखना यहाँ की व्यवस्थापिका कार्यपालिका संविधान का अतिक्रमण नहीं कर सकती, संविधान का किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचा सकती, यानी संविधान के विरुद्ध चल ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्वोच्च कौन है? संविधान। क्योंकि संविधान के द्वारा ही केंद्र राज्यों में शक्तियों का क्या होता है? बंटवारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इससे, और भारत के अंदर भी संविधान क्या है? सर्वोच्च है। हम चार नंबर की बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर पाई जाती है एकल नागरिकता। ध्यान रखना क्या पाई जाती है? एकल नागरिकता। इसके बारे में हम पैसे पहले पढ़ चुके हैं, वो तो हमने नॉर्मल सी बात की थी भी संगात्मक में क्या होता है क्या नहीं होता। अब हम सिर्फ भारत की शासन प्रणाली को लेकर चलते हैं। देखो मैंने बताया था आपको भी जहाँ पर संगात्मक प्रणाली होती है, कौन सी प्रणाली? संगात्मक, वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता जैसे यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर जो पाई जाती है। यहाँ पर क्या है अमेरिका में, यहाँ पर आपको अमेरिका के केंद्र की नागरिकता भी लेनी पड़ती है और आपको वहाँ की राज्य इकाई की नागरिकता भी लेनी पड़ती है। मान लेते हैं आप अमेरिका की नागरिकता लेते हो, वहाँ के निवासी बनते हो, तो सबसे पहले आपको केंद्र की नागरिकता लेनी पड़ेगी जिस राज्य में आप रहते हो, क्योंकि अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, उनमें से जिसमें आप रहते हो उस राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी, यानी वहाँ पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में कौन सी है? एकल नागरिकता पाई जाती है। आप कोई भी राज्य में रहते हो, पंजाब राजस्थान हरियाणा कहीं पर भी रहते हो, आप भारतीय हो। इसका मतलब हमारे यहाँ पर एक ही उपाधि है, इंडियन की उपाधि। यहाँ का आप हम नागरिक, कोई बाहर का नागरिकता लेता है, हम नागरिक हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें भारतीय की नागरिकता है, हमें राज्य की नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता और भारत में क्या अपनाई गई है? एकल नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, बात करें देखो जो केंद्रीय व्यवस्थापिका होती है ना, केंद्रीय व्यवस्थापिका, और हमारे यहाँ केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या बोलते हैं? संसद। केंद्र में व्यवस्थापिका जो कानून का निर्माण करती है वो संसद ही तो कहते हैं हम। और उस संसद का जो द्वितीय सदन होता है, सदन का द्वितीय सदन, ध्यान रखना वो राज्यों का सदन होता है। क्या होता है? राज्यों का सदन। और इसके बारे में हम कर भी चुके हैं, क्योंकि हमने किया था सदन के, संसद होती है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो आप कहोगे जी दो सदन होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा।
लोकसभा वो जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा आती है, जनता वोटिंग करती है, और राज्यसभा में जो वोटिंग होती है वो जनता नहीं करती, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता के प्रतिनिधि जो एमएलए हैं, राज्यों के जो एमएलए हैं वो क्या करते हैं, वो चुनकर राज्यसभा में मेंबर्स भेजते हैं। इसका मतलब ये राज्यों का सदन है, किसका सदन है, यहाँ तो पूरी जनता वोटिंग कर रही है, यहाँ पर जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो मतलब राज्यों के जो हम जैसे राजस्थान के अंदर 200 मेंबर है एमएलए, तो टोटल 200 एमएलए बनते हैं, वो 200 व्यक्ति क्या करते हैं, यहाँ से 10 व्यक्ति चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर राजस्थान से जो राज्यसभा मेंबर जाते हैं वो 10 जाते हैं टोटल, ये ध्यान रखना बात। इसका मतलब केंद्रीय व्यवस्थापिका में संसद में जो द्वितीय सदन होता है, और द्वितीय सदन कौन सा, राज्यसभा, हमारे यहाँ पर अमेरिका में सीनेट होता है, जो द्वितीय सदन होता है वो किसका सदन होता है, राज्यों का सदन होता है, यानी राज्य के प्रतिनिधि होते हैं उसके अंदर, राज्य के जो एमएलए होते हैं, राज्य के जो विधानसभा के मेंबर होते हैं, वो व्यक्ति चुनकर क्या करते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं। इसका मतलब राज्यों के मेंबर राज्यसभा में जाते हैं, इसी कारण संसद का जो द्वितीय सदन होता है वो राज्यों का सदन होता है। इसके अंदर मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, जो अमेरिका है उसका जो द्वितीय सदन है वो सीनेट है, कौन है, सीनेट। भारत का पता करें तो भारत का है राज्यसभा, जो द्वितीय सदन है, द्वितीय सदन राज्यसभा, यूएसए का सीनेट है, भारत का राज्यसभा है। देखो दोनों में जो द्वितीय सदन है वो राज्यों का सदन है, लेकिन भारत और अमेरिका में एक अंतर भी है, ध्यान रखना, क्योंकि भारत अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर टोटल 50 राज्य है, टोटल 50 राज्य है, और प्रत्येक राज्य से 2 मेंबर चुनकर आते हैं सीनेट के अंदर, तो टोटल मेंबर कितने हुए, 100। इसका मतलब यहाँ पर समानता को अपनाया गया है, चाहे कोई राज्य बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे किसी में जनसंख्या ज़्यादा हो, चाहे क्षेत्रफल ज़्यादा हो, चाहे क्षेत्रफल कम हो, चाहे जनसंख्या कम हो, कोई मैटर नहीं है, राज्य है तो 2 सदस्य चुनकर वहाँ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, भारत के अंदर क्या है, भारत में जो हमारे यहाँ एमएलए वगैरह जो भी सीट जो फिक्स की गई है ना, वो जनसंख्या के आधार पर की गई है, जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होती है उसके अकॉर्डिंग ही मेंबर चुनकर जाते हैं। जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ से 31 सदस्य जाते हैं, राजस्थान में थोड़ी कम है तो यहाँ से 10 ही जाते हैं, यानी हमारे यहाँ पर समानता को नहीं बल्कि विभिन्नता को अपनाया गया है, अलग अलग मेंबर चुनकर जाते हैं, अलग अलग, क्योंकि जिस राज्य में जितनी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, मेंबर का चुनाव होता है और राज्यसभा में भेजा जाता है। तो दोनों का ये तो फिक्स है, अभी ये सीनेट और राज्यसभा है दोनों ही द्वितीय सदन, और है दोनों ही राज्यों का सदन है, कोई दिक्कत नहीं है, राज्यों से मेंबर जाते हैं, लेकिन अंतर क्या है, वहाँ पर तो फिक्स है 2 मेंबर जाएंगे प्रत्येक राज्य से, वहाँ पर 50 राज्य है तो टोटल 100 मेंबर है सीनेट के, कोई बड़ा छोटा राज्य नहीं है, सब बराबर है, लेकिन यहाँ पर हमारे बराबर नहीं है, यानी जनसंख्या के आधार पर है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ से ज़्यादा मेंबर चुन के जाएंगे, जिसकी जनसंख्या कम होगी वहाँ कम जाएंगे। ये इधर मिजोरम वगैरह से तो जाते ही एक ही दो हैं, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम है, सिक्किम वगैरह साइड में, और राजस्थान के आधार पर 10 जाते हैं, यूपी से 31 जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं, मेंबर चुनकर जाते हैं, इन दोनों का यही अंतर है, ठीक है। बाकी द्वितीय सदन होता है वो हमेशा राज्यों का सदन होता है, किसमें, संघात्मक प्रणाली में, और भारत में भी है राज्यसभा, राज्यों का सदन है, सिर्फ अंतर इतना ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारतीय संघात्मक प्रणाली की आगे क्या विशेषताएं हैं। देखो आगे विशेषताओं की हम बात करें, राज्यपाल का पद, ध्यान से सुनो, देखो संघात्मक प्रणाली में क्या होता है, हमारे यहाँ केंद्र है और राज्य है, केंद्र में जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति, जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है, इसको हम नाममात्र अध्यक्ष बोलते हैं, संवैधानिक अध्यक्ष, नाममात्र अध्यक्ष। राज्य में जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है, यानी जो हेड होता है राज्य, वो होता है राज्यपाल, कौन होता है, राज्यपाल। लेकिन ये ध्यान रखना बात, हमारे यहाँ पर जो राज्यपाल होता है उसका इलेक्शन नहीं होता, उसका इलेक्शन या चुनाव नहीं होता, बल्कि ना तो जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी प्रकार से इलेक्शन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
इसका मतलब केंद्र क्या कर रहा है, राज्य में राज्यपाल को नियुक्त कर रहा है। तो यहाँ पर केंद्र प्रभावशाली हुआ ना, केंद्र अपनी मर्जी से अपने जो समर्थक जो व्यक्ति होता है उसको राज्यपाल बनाएगा। और ये पद हमेशा हमारे यहाँ पर विवाद का रहा है, राज्यपाल राज्यपाल का पद हमेशा विवाद पर रहा है, क्योंकि राज्य कहते हैं इसको समाप्त कर दो, ये तो केंद्र क्या करता है अपना व्यक्ति राज्य में बिठा रहा है और अपना दबाव बढ़ा रहा है, वो तो अब शक्तियाँ छीन रहे हैं हमसे, क्योंकि ये राज्यपाल है, ये केंद्र का व्यक्ति है जो राज्य में काम करता है, तो केंद्र अपना दबाव राज्यों में बना रहा है, इसलिए ये पद बहुत ज़्यादा क्या है, विवाद का पद है। क्यों? क्योंकि ये केंद्र के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा इसको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और हम राज्यपाल की बात करें तो आप ध्यान रखना, जो राज्यपाल है वो केंद्र और राज्य के मध्य की कड़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ भी आपको इस प्रकार से प्रश्न याद करने हैं ताकि आपके पूरे जीवन में उसको आप याद करो। ध्यान रखना, केंद्र और राज्य में अगर आपसे पूछे मध्य की कड़ी कौन है, तो राज्यपाल है। क्यों? केंद्र यदि कोई सूचना देना चाहता है तो वो सीधा राज्य को नहीं देता, बल्कि राज्यपाल तक पहुंचाता है। राज्यपाल ये सूचना राज्य तक पहुंचाता है, वहाँ के मंत्रिमंडल है, मंत्री प्रसिद्ध है, मुख्यमंत्री है, वहाँ तक पहुँचाता है। राज्य अगर इससे संबंधित कोई सूचना वापिस देना चाहता है तो वो राज्यपाल को देगा, राज्यपाल उसको कहाँ पहुँचाएगा, केंद्र पहुंचाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे केंद्र और राज्य के मध्य जो मुख्य विवाद का पद है वो राज्यपाल है, केंद्र और राज्य के मध्य जो कड़ी है वो ही राज्यपाल है, क्योंकि राज्यपाल केंद्र की सूचना राज्य तक पहुंचाता है और राज्य की सूचना केंद्र तक पहुंचाता है, और राज्यपाल का इलेक्शन नहीं होता। ध्यान रखना, इलेक्शन नहीं होता, चुनाव नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, ये नियुक्त किया जाता है, और ये केंद्र का व्यक्ति होता है, सेंटर का व्यक्ति होता है, और भारत के अंदर यही स्थिति अपनाई गई है। आप देखते होंगे प्रत्येक राज्य में या एक से ज़्यादा राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति जब चाहे उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, यानी एक राज्य से टाके दूसरे में कर सकता है, या एक राज्यपाल को एक से ज़्यादा राज्य का कार्यभार सौंपा जा सकता है। ठीक है, ये हमारा 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत कहा गया था भी एक राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है टोटल कंप्लीट। ये हो गया आपका राज्यपाल का पद, और सबसे ज़्यादा विवाद का पद है वो राज्यपाल का पद ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, देखो एक होता है मुख्य, जो सिंहासन प्रणाली होती है वहाँ पर लिखित संविधान होता है, क्या होता है, लिखित संविधान, और भारत में भी लिखित संविधान है या नहीं, बिल्कुल है, हम ये पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़े हैं 9th के अंदर 10th के अंदर, भारत के अंदर क्या है, लिखित संविधान को अपनाया गया है, और संविधान सभा ने इसको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनाकर तैयार किया था। इस चीज़ को हम 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब भारत का संविधान क्या है, लिखित संविधान है, और साथ में लिखो तो ये कह सकते हो लिखित व निर्मित संविधान है। इसका मतलब संविधान सभा ने इसका क्या किया है, निर्माण किया है, हर बात लिखी गई है संविधान के अंदर, और जहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पर संविधान लिखित होना चाहिए। ब्रिटेन के अंदर संविधान लिखित नहीं है क्योंकि वहाँ पर संघात्मक प्रणाली नहीं है, एकात्मक है। अमेरिका में संविधान लिखित है क्योंकि वहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली है। भारत के अंदर भी संविधान लिखित है क्योंकि भारत के अंदर भी संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो ये संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे मुख्य विशेषता होती है भी लिखित संविधान होता है। संविधान होता है वो सर्वोच्च होता है, केंद्र व राज्य की शक्तियों बंटवारा संविधान करता है। ठीक है, केंद्र और राज्य जो अधीन होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, संविधान के अधीन माने जाते हैं या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद अगर हम संघात्मक प्रणाली की बात करें, सिर्फ भारतीय के पक्ष भारतीय फिल्म चल रहे हैं, वैसे संघात्मक प्रणाली को लेकर नहीं चल रहे, भारत के अंदर जो संघात्मक है उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पर है एकात्मकता का प्रभुत्व, एकात्मकता का प्रभुत्व। देखो यहाँ पर हमारे संघात्मक शासन प्रणाली को तो अपनाया गया है लास्ट, लेकिन साथ साथ में एकात्मक तत्व को भी अपनाया गया है। और मैंने कल बताया था आपको, एक तो होती है संघात्मक और एक होती है एकात्मक, जो ब्रिटेन में पाई जाती है। ये अमेरिका का मॉडल है, ये ब्रिटेन का मॉडल है। ठीक है, ये चीज़ को मैं बता चुका हूँ आपको। संघात्मक में क्या होता है, केंद्र व राज्य दोनों संविधान के अधीन होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी संविधान इसमें क्या होता है, सर्वोच्च होता है। इसका मतलब केंद्र भी संविधान के अधीन होता है, संविधान से शक्ति लेता है, और राज्य भी क्या लेता है, संविधान से शक्ति लेता है।
यानी यहाँ पर सर्वोच्च कौन हुआ? संविधान। लेकिन एकात्मक में सर्वोच्च कौन होता है? केंद्र। क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्य होते हैं, लेकिन राज्य जो शक्ति लेते हैं वो संविधान से नहीं बल्कि केंद्र से शक्ति लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो क्योंकि यहाँ पर तो दोनों शक्ति संविधान से ले रहे हैं तो संविधान सर्वोच्च है, लेकिन यहाँ पर जो राज्य शक्ति ले रहा है वो केंद्र से ले रहा है। किससे प्राप्त कर रहा है? केंद्र से। इसका मतलब यहाँ पर सर्वोच्च कौन हुआ? केंद्र। बस इसका मतलब भारत के अंदर क्या है? संघात्मक तो है लेकिन कुछ एकात्मक तत्वों को अपनाया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी केंद्र को शक्तिशाली रखा गया है, केंद्र को शक्तिशाली रखा गया है। मैंने आपको कल भी बताया था जहां पर एकात्मकता आ जाए वहां पर केंद्र शक्तिशाली होता है, और भारत में भी संघात्मक के साथ साथ संविधान के साथ साथ केंद्र को कुछ एक्स्ट्रा शक्तियां दे दी गई है, कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां दे दी गई है, यानी केंद्र को शक्तिशाली बना दिया गया है। केंद्र शक्तिशाली क्यों होता है भाई? इसलिए रखा जाता है ताकि पूरे देश पर एक छत्र राज किया जा सके। यानी जब मान लो ऊपर का व्यक्ति, मान लेते हैं हमारे परिवार देख लो, वहाँ पर हमारे दादाजी होते हैं, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, अगर वो पावरफुल नहीं होते ना तो परिवार टूट जाता है, परिवार के टुकड़े हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। अगर हमारा जो मेन व्यक्ति पावरफुल होता है ना तो कोई भी नहीं लड़ता, सब उसका कहना मानते हैं। इसी प्रकार मेन जो केंद्र है उसको शक्तिशाली रखा गया ताकि राज्य देश से अलग होने की कोशिश ही न कर पाए। राज्य ये ना सोचे चलो राजस्थान सोच ले हम बाहर से अलग होते हैं, कोई और राज्य सोच ले हम बाहर से अलग होते हैं, तो 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था, ऐसा मैटर न आ पाए। इसी कारण केंद्र को शक्तिशाली रखा गया है ताकि वो पूरे राज्यों को बढ़िया तरीके से चला सके, कोई भी राज्य का विवाद है वो आराम से हल कर सके। यानी कोई भी राज्य हमारे संघ से केंद्र से अलग जाने की कोशिश न कर सके और पूरे राज्य में एकता बनी रहे। क्यों? क्योंकि जब 1947 में आज़ाद हुए थे ना, और अब वर्तमान में भी देख लो, अरे भारत के अंदर बहुत विविधता पाई जाती है, धर्म जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बहुत विविधता पाई जाती है। अगर इतनी विविधता को अगर हमें एकता में रखना है तो एक शक्तिशाली व्यक्ति तो चाहिए, नहीं तो ये तो आपस में लड़ लड़ कर ही मर जाएंगे। बहुत धर्म है ये लड़ रहेंगे आपस में, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लड़ रहे हैं आपस में, मरेंगे फिर ऐसे। इसीलिए उस पर एक व्यक्ति को शक्तिशाली रखा गया है। और हमारे संविधान सभा जो मेंबर थे जो संविधान का निर्माण कर रहे थे उस समय, उनको पता था भी भारत को एकता में तभी रख सकते हैं जब हम केंद्र को थोड़ा शक्तिशाली बना दें। उसे बोलते हैं एकात्मकता का प्रभुत्व। यानी भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को तो अपनाया गया है लेकिन साथ साथ में एकात्मकता के तत्व को भी रखा गया है ताकि केंद्र भी क्या रहे? शक्तिशाली बना रहे और पूरे राज्य पर, पूरे देश पर क्या रख सके? कंट्रोल रख सके। अब यहाँ पर हमारे भारत में संघात्मक भी है एकात्मक भी है, और इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। दोनों के तत्व सम्मिलित होने के कारण ही अवियर ने क्या कहा था? भी भारत पूर्ण संघ नहीं है बल्कि फिर एक अर्धसंघीय देश है। पूर्ण संघ नहीं है बल्कि अर्धसंघीय देश है। क्यों? क्योंकि भारत में संघात्मक के तत्व को भी मिला दिया गया और एकात्मक तत्व को भी मिला दिया गया। देखो संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता होती है भाई, केंद्र और राज्य समान होते हैं, केंद्र और राज्य समान होते हैं, कोई शक्तिशाली नहीं होता। लेकिन भारत में केंद्र राज्य समान नहीं है, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है और राज्य कम शक्तिशाली है। अगर वित्त के दाल पर, धन के दाल पर देखें ना, तो राज्य ज़्यादा ज़्यादा केंद्र पर निर्भर है। जो फंड आता है यानी राज्य का जो विकास होता है उसमें केंद्र पैसे देता है, इसका मतलब राज्य केंद्र पर निर्भर है। अरे कई बार तो ऐसे हो जाता है सेंटर में सरकार किसी और पार्टी की होती है, राज्य में किसी और पार्टी की होती है, वहाँ पैसे नहीं आता, विकास ही नहीं हो पाता। यानी इसकी ये कुछ नुकसान भी है कुछ फ़ायदा भी है। नुकसान तो ये हो गया ना, अभी दो सरकारें अलग अलग पार्टी की आ गई, एंटी पार्टी की आ गई, तो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कोई विकास के बारे में सोचते नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा भी है, पूरा देश एक बना हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, किसी प्रकार से अगर कोई होता है तो वो एक व्यक्ति जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो उसको हैंडल कर लेता है, पूरे देश को बांधे रखता है। ठीक है, ये हमारे भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली की हमने कुछ विशेषताएं पढ़ी, और संघात्मक प्रणाली के बारे में हमने लगभग जो आपके सिलेबस में है, जो नई बुक आई है एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ पढ़ा है। बाकी और भी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन हमें इतना नहीं करना क्योंकि प्लस वन में इतना सिलेबस है नहीं आपके,
आपको तो सिर्फ संघात्मक शासन प्रणाली का अर्थ पता होना चाहिए क्या होता है, और दो दो प्रकार के संघ होते हैं, बता चुका हूँ ना आपको। एक तो वो संघ जो राज्य मिलकर सेंटर बनाते हैं, यानी कुछ राज्यों के मध्य समझौता होता है और वो समझौता करके सेंटर का निर्माण कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तो राज्यों ने सेंटर का निर्माण किया है। एक मैंने ये बताया था कि बड़ा सेंटर होता है इसलिए वो राज्यों का निर्माण कर लेता है अपनी प्रशासन की सुविधा के लिए, यानी शासन को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए एक से ज़्यादा सरकारों का गठन हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर राज्य का निर्माण कौन कर रहा है, सेंटर, और यहाँ पर सेंटर का निर्माण कौन कर रहा है, राज्य। उल्टा हो गया ना सिस्टम सारा। देखो ये तो समझौता तोड़ा भी जा सकता है, यानी राज्य अलग भी हो सकते हैं, जैसे यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, जो 1991 में विघटित हो चुका था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहां पर राज्य अलग नहीं हो सकते क्योंकि यहां पर केंद्र ने बनाया है, राज्य ने समझौता करके केंद्र नहीं बनाया, केंद्र ने अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि जब देश का अपने भारत के अंदर देख लो क्षेत्र भी बहुत है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा निवास करती है, चीन के बाद पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आते हैं हम। इतने बड़े क्षेत्र के ऊपर एक सरकार काम नहीं कर सकती, हम कहते हैं ना भी सेंटर अकेली काम कर ले तो वो नहीं कर सकती, उसको काम को चलाने के लिए। अब क्या पता सेंटर में व्यक्ति बैठा है उसको क्या पता रास्ता में क्या हालत है, रास्ता में क्या समस्या है, पंजाब में क्या समस्या है, हरियाणा में क्या समस्या है, नहीं पता होता ना। तो इन सभी को दूर करने के लिए, उन सभी के क्षेत्र का विकास करने के लिए सेंटर ने क्या किया, अपनी शक्ति इकाइयों में दे दी, कुछ राज्यों को बांट दी ताकि ये अपने अपने क्षेत्र में काम करे, बस ये अपने क्षेत्र में काम करे, ये अपने क्षेत्र में काम करे, ये अपने क्षेत्र में काम करे। तभी तो कहते हैं भारत के अंदर, आपको अब साथ में चली गई बता ही देता हूँ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ध्यान रखना। मैंने आपको कल भी बताया था, अभी मैं आपको जो करवा रहा हूँ वो कोचिंग टाइप करवा रहा हूँ, आपके हमेशा काम आएंगे ये प्रश्न, हमेशा काम आएंगे ये, ध्यान रखना जब भी आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेंटर राज्य बना सकता है तो उसका विनाश भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है, नया राज्य बना सकता है, दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य बना सकता है, राज्यों का नाम चेंज कर सकता है, उड़ीसा से उड़ीसा, कलकत्ता से कोलकाता, जैसे जम्मू कश्मीर की 370 धारा तोड़ दी, यानी ये सब केंद्र पर डिपेंड है, इसी कारण कहते हैं विनाशी राज्य, यानी राज्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन अविनाशी संघ, संघ का विनाश नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई भी राज्य संघ को छोड़कर नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कोई राज्य कह रहे जी हम तो संघ से स्वतंत्र हो रहे हैं, भारत से अलग हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसी कारण भारतीय कहा जाता है विन्यासी राज्यों का अविन्यासी संघ, भी राज्यों का विनाश किया जा सकता है, राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, राज्य को दो राज्य की सीमा मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है, एक ही राज्य को तोड़कर दो राज्य है, दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य है, यानी संसद केंद्र कुछ भी कर सकती है, लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता, संघ को खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आपका ये जो संघात्मक से संबंधित जो विशेषताएं थी उसका अर्थ था, उसकी संबंधित जो भी बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी आप इनके नोट्स बना लेना बढ़िया तरीके से। संघ दो प्रकार के हम कर चुके हैं, अमेरिका का और भारत का, इनके एग्जाम्पल ले लेके हमने हर बात को समझाया, आप नोट्स बनाना, इसको देखना, हर बात आपको समझ आएगी, फिर भी कोई डाउट हो तो बताएंगे आपको, बिल्कुल इसको हम रिपीट कर देंगे, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।